Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुपरस्टार चैनल। जी हाँ दोस्तों, यानी आज के वीडियो में हम कवर करेंगे हिंदी 50 मार्क्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन और साथ में ऑब्जेक्टिव भी कवर करेंगे। तो आप इन वीडियो के माध्यम से अपने तैयारी को आप बेटर कर सकते हैं, क्योंकि एक ही वीडियो में आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये जो है वीडियो है सभी विद्यार्थियों के लिए, आर्ट्स कॉमर्स साइंस सभी विद्यार्थियों के लिए है। तो आप वीडियो को एंड तक देखिए और अपने नॉलेज को इम्प्रूव कीजिए। अगर मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फ्रेंड सर्किल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपका फ्रेंड्स भी इस वीडियो का लाभ ले सकेगा। चलिए दोस्त, शुरू करता हूँ आज का यानी पहला क्वेश्चन। तो मैं आज पंच पर पहला क्या है पंच परमेश्वर चैप्टर से मैं सारा ऑब्जेक्टिव मतलब वन लाइनर क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो आप इसी वीडियो में आपका सारा ऑब्जेक्टिव उसका कवर हो जाएगा। चलिए देखता हूँ यानी पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पंच की जबान से कौन बोलता है। तो जो पंच की जबान से जो बोलता है तो क्या कौन बोलता है, यानी पंच की जुबान से ईश्वर अर्थात खुदा बोलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, क्या कहलाता है। जुम्मन की पत्नी का नाम क्या था। तो जुम्मन की जो पत्नी का नाम था तो क्या था उसका, जुम्मन की पत्नी का नाम यानी करीमन था। क्या था जुम्मन की पत्नी का नाम, यानी क्या था, करीमन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन कि जुम्मन के पिता का नाम क्या था। जुम्मन के पिता का नाम क्या था, तो जुम्मन के जो पिता का नाम था तो क्या नाम था, जुमेराती शेख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन कि अलगू चौधरी के गुरु का नाम क्या था। जो अलगू चौधरी के गुरु का क्या नाम था, तो आप इन चैप्टर को अगर पढ़े होंगे अच्छे से तो आप इसका अपने से ही खुद जवाब देते हैं, ठीक है। तो अलगू चौधरी के गुरु का नाम क्या था, यानी जुमराती शेख, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन कि प्रेमचंद का पहला उपन्यास कौन था, यानी प्रेमचंद का पहला उपन्यास कौन सा है। तो ये जो आपको क्या है इसका राइट जो आंसर होगा तो क्या होगा, यानी सेवा सदन। क्या है, यानी सेवा सदन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी क्या गलत है, छठा क्वेश्चन प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास कौन सा है। तो प्रेमचंद का जो अंतिम जो उपन्यास था तो क्या था, मंगलसूत्र। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी प्रेमचंद्र ने कितनी कहानियाँ लिखी, प्रेमचंद्र ने कितनी कहानियाँ लिखी, तो वो लगभग मतलब कितना, 300 कहानियाँ लिखी हैं, ठीक है। और सर आठवां क्वेश्चन देखते हैं कि पंच परमेश्वर कहानी में किसका उद्घाटन हुआ है। तो ये जो है किसका हुआ है, यानी पंच परमेश्वर कहानी में जीवन सत्य का मार्मिक उद्घाटन हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नौवां क्वेश्चन कि पंच के पद पर प्रतिष्ठित व्यक्ति किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो किसके होता है, यानी पंच के पद पर प्रतिष्ठित व्यक्ति जाति धर्म और संबंधों से सर्वदा मुक्त न्याय के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। इसका यही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दसवां क्वेश्चन के प्रेमचंद की कहानी में उनकी चिंता के केंद्र में क्या 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 रहा है, ठीक है। यानी प्रेमचंद की कहानी में उनकी चिंता के केंद्र में क्या रहा है, ठीक है। तो प्रेमचंद की कहानी में उनकी चिंता के केंद्र में सदैव शोषित पीड़ित और उपेक्षित मनुष्य की मुक्ति रहा है, ठीक है। चलिए यानी क्या देखेंगे आप, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। कह रहा है कि कलम का सिपाही किसे कहा जाता है। तो एक का जो आपका जो राइट जो आंसर होगा तो एक का क्या होगा, यानी बी, यानी राइट आंसर होगा क्या होगा, प्रेमचंद, ठीक है। एक का यानी बी का राइट आंसर प्रेमचंद, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, क्या कहलाता है, हिंदी साहित्य में कथा सम्राट, सो यहाँ कच्छा हो गया है, कथा सम्राट किसे कहा जाता है। तो एक का जो आपका जो राइट जो आंसर होगा दो का, यानी तो सी यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके लिए मैं यहाँ सॉरी चाहूँगा, क्षमा चाहूँगा, क्योंकि यहाँ कथा सम्राट कच्छा हो गया, ठीक है, थोड़ा यहाँ इसमें ध्यान दीजिएगा। चलिए कथा सम्राट किसको आया था, नहीं प्रेमचंद को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इस क्या कहलाता है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। तो ये जो तीन का जो आपका जो राइट जो आंसर होगा तो यानी 1908 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1908 ईस्वी में, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अगर इसी तरह की अगर वीडियोज अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं हिस्ट्री का अब तक अपलोड कर चुका हूँ, यानी सभी सब्जेक्ट का मैं 10-10 सेट देना चाहता हूँ। अगर आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो चैनल में आइए और देख सकते हैं, ठीक है। और मेरे चैनल में आप लगे हुए रहें, चैनल के माध्यम से आपका अच्छा से बेटर तैयारी होगा। चलिए दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहलाता, चौथा क्वेश्चन, महादेव वर्मा रचित गोड़ा साहित्य की कौन सी विधा है। ये जो चार का जो आपका जो राइट जो आंसर होगा तो क्या होगा, यानी कौन सी विधा है, शब्द चित्र है, क्या है, शब्द चित्र, यानी बी इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इस क्या कहलाते हैं, आते हैं आप पाँचवा क्वेश्चन कि भारत माता ग्रामवासिनी कविता के कवि कौन है। ये जो है आपका पांच का जो आपका जो राइट जो आंसर होगा तो क्या होगा, सुमित्रानंदन पंत है, क्योंकि जगह नहीं था इसलिए मैं यहाँ इसको लिख रहा हूँ, क्या, सुमित्रानंदन पंत।
तो पांच का आपका क्या होगा, बी एन इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस क्या कहलाता है, छठा क्वेश्चन क्या कहलाता है, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। ये जो छे का जो आपका जो राइट जो आंसर होगा, तो यानी छे का क्या है, छे का आपका राइट आंसर यानी बी आई का राइट आंसर होगा, तो सुमित्रानंदन पंत इसका राइट आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस क्या कहलाता है, आधुनिक युग की मीरा कौन है। तो ये जो आधुनिक युग की जो मीरा है, तो सात का जो आपका जो राइट जो आंसर होगा, तो सी यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा, महादेवी वर्मा को आधुनिक युग का मीरा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस क्या कहलाता है, रहीम किस काल की कवि है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो आठ का जो आपका जो राइट जो आंसर होगा, तो बी यानी इसका राइट आंसर हो गया, भक्ति काल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस क्या कहलाता है, नौवां क्वेश्चन कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या है। तो नौ का जो आपका जो राइट जो आंसर होगा, तो बी यानी इसका राइट हो जाए, निबंधकार है। क्या है वो, निबंधकार है, बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस क्या कहलाता है, दसवां क्वेश्चन, इनमें से किस कवि को राष्ट्रकवि की उपाधि मिली है। तो दस का जो आपका जो राइट जो आंसर होगा, तो यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस क्या कहलाता है, आचरण का लिंग निर्णय करें। तो ये जो आचरण का आपको लिंग निर्णय करना है, तो 11 का आपका जो राइट जो आंसर होगा, तो 11 का आपका सी यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पुरलिंग है। आचार्य क्या है, आचार्य क्या है, पुरलिंग है। आचरण क्या है, पुरलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आज क्या कहलाता है, दहेज का लिंग निर्णय करें। तो 12 का जो आपका जो राइट जो आंसर होगा दहेज का, तो यानी इसका 12 का बी होगा, यानी पुरलिंग है। ठीक है, क्या है, पुरलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आज पुस्तक का लिंग निर्णय करें। तो ये जो है आपका पुस्तक का क्या होगा, पुस्तक क्या है, ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, क्या है, 13 का आपका बी हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस क्या है, कारक के कितने भेद हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग जानते हैं कि कारक के कितने भेद होते हैं। तो कारक के जो भेद हैं, तो वो आठ भेद है। कितना भेद है, यानी आठ भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस क्या कहलाता है, विशेषण के कितने भेद हैं। तो 15 का जो आपका जो राइट जो आंसर होगा, तो यानी सी होगा, यानी चार भेद है। विशेषण के कितने भेद होते हैं, चार भेद होते हैं, राइट आंसर सी हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस क्या कहलाता है, काल के कितने भेद हैं। तो आपको मालूम ही क्या, काल के तीन भेद होते हैं, काल यानी समय, समय क्या है मतलब, या आपका काल यानी कितना भेद हो, काल का तीन भेद होता है, एक होता है भूतकाल, उसके बाद भविष्यकाल और एक वर्तमान काल। ठीक है, कितना हुआ, तीन भेद। तो सी इसका राइट आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा था, निम्नलिखित में से सोना का पर्यायवाची शब्द क्या है। एक पर्यायवाची शब्द बहुत मतलब एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, क्योंकि पूछता अक्सर एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन रहते हैं ये पर्यायवाची शब्द से। तो आप लोग व्याकरण पे थोड़ा फोकस कीजिए, क्योंकि व्याकरण से ज़्यादा क्वेश्चन रहता है, 18 क्वेश्चन लगभग व्याकरण से आपका रहेगा, तो व्याकरण पे आप लोग ज़्यादा फोकस कीजिए। तो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में सोना का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो आपको मालूम ही होगा कि सोना का जो पर्यायवाची शब्द होता है, कनक होता है। क्या है, कनक, यानी बी इसका राइट आंसर हो गया आपका, 17 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस क्या कहलाता है, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो ये जो है आपका 18 का जो राइट जो आंसर होगा, तो डी यानी इसका 18 का राइट आंसर होगा, शारदा यानी आपका राइट आंसर हो गया। 1900 क्वेश्चन देखते हैं गाइस क्या कहलाता है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द लिखें। जो पृथ्वी का जो पर्यायवाची शब्द है, तो क्या है पृथ्वी का, तो आपको मालूम ही होगा कि पृथ्वी का जो पर्यायवाची शब्द है, तो 19 का जो आपका राइट जो आंसर होगा, तो क्या हो जाएगा, भूमि हो जाएगा। ठीक है, सी यानी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस क्या कहलाता है, 20वां क्वेश्चन, दांत काटी रोटी होना, मुहावरे का अर्थ बताइए। तो दांत काटी रोटी होना यानी क्या होना, शत्रु का होना तो नहीं होगा, दांत रोटी का संबंध होना नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो आपका राइट जो आंसर होगा, तो ये होगा, यानी मित्रता होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस क्या कहलाता है, पीठ दिखाने मुहावरे का अर्थ है क्या। तो ये जो है पीठ दिखाने का मुहावरे का जो अर्थ होता है, तो मतलब हार कर भाग जाना, यानी बी नंबर इसका राइट आंसर हो गया। क्योंकि दोस्त इसमें कितना क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया आप लोगों के लिए आज, कितना 30 ओनली 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि एक मतलब एक सेट में 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसी तरह के मैं सभी सेट का मतलब लेके आया हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 22वां क्वेश्चन, दिगंबर का संधि विच्छेद बताइए। तो दिगंबर का जो आपका जो राइट जो आंसर होगा, तो 22 का, तो 22 का जो आपका जो राइट जो आंसर है, तो ए यानी राइट आंसर हो गया, दिग जो अंबर, नहीं 22 का क्या है, डी आंसर है, सॉरी यहाँ दिग जो अंबर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस क्या कहलाता है, पवित्र का संधि विच्छेद करें। तो ये जो आपका 23 का जो आपका जो राइट जो आंसर होगा, तो डी यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पोजोरित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परीक्षा का संधि विच्छेद करें। तो ये परीक्षा का जो आपका जो राइट जो आंसर होगा, 24 का, तो राइट का आंसर क्या होगा आपका, यानी बी यानी पढ़ी जो इच्छा हो जाएगा, यानी बी राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस क्या कहलाता है, संधि के कितने प्रकार हैं। 25 का जो आपका जो राइट जो आंसर होगा, 25 का, तो यानी क्या होगा, संधि के कितने प्रकार होते हैं, तीन प्रकार होते हैं, कितना, तीन प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस क्या कहलाता है, सुमित्रानंद पंत की रचना
रचना पल्लव का प्रकाशन कब हुआ था? तो ये जो है 26 का जो आपका जो राइट जो आंसर होगा, तो यानी सी एन इसका राइट आंसर हो गया। 1928 में हुआ था, कब? 1928 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेपाली जी की कविता संग्रह कौन है? तो ये 27 का जो आपका जो राइट जो आंसर होगा, तो 27 का सी यानी आपका राइट आंसर होगा, क्या है? रेणुका। क्या है? रेणुका इसका राइट आंसर है। चलिए क्या कहलाता है? रेणुका हो गया। आप आते हैं 28वां क्वेश्चन, क्या कहलाता है? अंगूठा चुमना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो ये जो है अंगूठा चुमने का मुहावरे का जो अर्थ होता है, तो पहला ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? इनकार करना, तिरस्कार करना, ना समझी दिखना, यानी ये खुशामद करना। तो ये जो है आपका 28 का जो आपका जो अंगूठा चुमने का मुहावरे का जो अर्थ होगा, तो क्या है? 28 का राइट आंसर आपका क्या हो गया? यानी डी, यानी इसका राइट आंसर, यानी खुशामद करना, डी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इस क्या कहलाता है? 29वां क्वेश्चन के अकल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ है। तो यानी अकल का जो दुश्मन या मुहावरे का जो अर्थ है, बहुत ईजी है। तो यहाँ पहला क्या मित्र दिया हुआ है, दूसरा में क्या है शत्रु, तीसरा में महापंडित, चौथा में क्या है महामूर्ख। तो 29 का आपका एकदम करेक्ट आंसर जो होगा आपका, तो डी यानी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा? डी यानी महामूर्ख। क्या होगा? अकल का दुश्मन महामूर्ख, राइट आंसर इसका। यही नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 30वां क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला सेट का 30वां क्वेश्चन, पवित्र का संधि विच्छेद क्या होता है? तो पवित्र का जो आपका जो संधि विच्छेद जो होगा, तो पवित्र का तो आपका तो ये क्या है, पहला में क्या दिया पौज और इत्र दिया हुआ है, और बी में क्या पौज और इत्र दिया हुआ है, और यहाँ क्या सी में पौज और इत्र दिया हुआ है, और डी में पौज और इत्र। तो ये जो आपका 30 का जो आपका जो राइट जो आंसर होगा, तो क्या होगा? पौज और इत्र। क्या होगा? पौज और इत्र। तो यानी ए यानी इसका राइट आंसर है। अगर दोस्त अगर वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर इसी तरह के अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं, तो मैं इसी तरह के यानी 10 सेट लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। तो ये आज का था पहला सेट, और इसी तरह के मैंने और 9 सेट ले आना चाहता हूँ, ठीक है? इसी तरह सब सब्जेक्ट का, यानी ये आप सिर्फ हिंदी का देख लेते तो हिंदी का, यानी इसी तरह हिस्ट्री के भी रहेंगे, पोल साइंस के रहेंगे, यानी ऑल सब्जेक्ट जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सारे सब्जेक्ट के रहेंगे। तो मैं अभी फ़िलहाल मैं अभी हिस्ट्री का ही अपलोड किया हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाइए चैनल में, आप जाकर के देखिए, और चैनल ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूँ। थोड़ा सा तो इसके लिए यार आप लोगों के लिए तो कुछ तो बनता है यार इसके लिए, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन लेके आया यार। चलिए यहीं तक मैं वीडियो को एंड करता हूँ।